so last uh, sunday we looked at the things that the happy man or the blessed man detests in his life and uh, those things uh, that will make him happy and blessed we learned that he will not stand uh, he will not walk he will not stand and he will not sit हमने देखा कि वो ना दुष्टों की युक्ति पे चलता है ना खड़ा रहता है ना बैठता है और ये तीन चीजें हैं जिनके वजह से व्यक्ति शैतान के चंगुल में फंस सकता है एंड सो आई प्रे दैट यू आर एबल टू लुक इन टू दो इन योर लाइफ सिंस वी हैव स्टडीड वर्स वन एंड

Uh, there are so many things that we want to enjoy and want to bring happiness in life. And we talk about living to enjoy or living to have pleasure in life. So the psalmist in verse 1 was talking about the don'ts. ऑफ ए ब्लसड मैन और भजन करता पहले वजन में उन नहीं बातों के बारे में बताता है जो जीवन में नहीं करनी morning दिस going to look at the do's of a blessed man. What does he do?

बदतमीजी करते हैं आप कहते हैं नहीं मैं ऐसी ऐसा कुछ भी नहीं करता इफ यू डोंट डू दोस थिंग्स वेल एंड गुड गुड फॉर यू अच्छा है अगर आप ऐसी चीजें नहीं करते हैं और के लिए अच्छा है बट लेट मी आस्क यू अपार्ट फ्रॉम दोस थिंग्स दैट यू डोंट डू लेट मी आस्क यू व्हाट आर द थिंग्स दैट यू डू पर उन चीजों जो आप नहीं करते हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं जो चीजें आप करते हैं वो क्या है सो मोर देन द थिंग्स दैट यू डोंट डू दे आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम द थिंग्स दैट यू डू आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट वो चीजें जो आप नहीं करते वो तो ठीक है

वो उतनी चीजें नहीं करते जो उनको एक प्रभावशाली मसीह बना सके सो गॉड डज नॉट जस्ट वॉन्ट यू टू बी एन ऑर्डिनरी बिलीवर एन ऑर्डिनरी ऑर्डनरी हु गोस थ्रू द रूटीन्स ऑफ क्रिस्टियन लाइफ बट गॉड वॉन्ट्स यू टू बी ए डायनामिक बिलीवर हु हु इज रियली लिविंग द फुल लाइफ परमेश्वर आपको एक साधारण मसीह नहीं चाहता वो चाहता है कि आप एक प्रभावशाली आत्मिक मसीह बने जिसके द्वारा आपका जीवन प्रभावशाली हो सके सो एस वी आर लुकिंग एट द ग्रेटेस्ट प्लेजर्स इन लाइफ फ्रॉम टू टू थ्री टूडे आई वॉन्ट टू ब्रिंग यू दर्स्ट पॉइंट और जब हम दूसरे और तीसरे वचन को देखते हैं वो जो चीजें हमें धन्य बना सकती हैं हम उनको देखेंगे इन वर्स टू ही डेविड टॉक्स अबाउट द प्लेजर दैट इज मार्क्ड बाय व्हाट ही इज डिलाइटिंग हिमसेल्फ इन और दूसरा वचन में दाऊद बताता है वो कौन सी चीजें हैं जो प्रसन्न करती है और उसके जीवन को धन्य बना देती हैं। you आप किन बातों से आनंदित होते हैं life, अगर आप उस गंदगी को अपने जीवन से निकालना चाहते हैं यू नॉट डू दैट जस्ट बाय सिंपली निर्णय लेके उनको अलग नहीं कर सकते you need to have something that is transforming in your being that will make you a better person <laughs> unless and until you are completely clean completely washed the things that are hidden or subdued will pop up back again that will resurface again that will make you an evil person और जब तक आप एक पूरी रीति से नए नहीं, नहीं बन जाते तब तक वो चीजें बार 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 आपके जीवन में ऊपर ही आती रहेंगी बट इट इज द थिंग्स दैट यू डिलाइट योर सेल्फ इन दैट विल मेक यू और ब्रेक यू और वही चीजें जिस पे आप uh, आनंद करते हैं या जिनसे प्रसन्न होते हैं वही चीजें आपको या तो तोड़ेंगी या तो वो आपको बनाएंगी सो यू नीड टू रिप्लेस दो इसलिए आपको नकारात्मक चीजों को uh, सकारात्मक चीजों से बदलना है लॉ ऑफ द लॉर्ड मी the one एंड इज not walk In step with the wicked, or stand in the way that sinners take, or sit in the company of the mockers. <laughs> और ना पापियों के मार्ग में खड़ा रहता है बट हु इज डिलाइटेड इज इन द लॉ ऑफ द लॉर्ड एंड हु मेडिटेट्स ऑन हिज लॉ डे एंड नाइट और ना वो ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है परंतु वह यहुवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता है सो द साम इस Tells us here that a godly person delights in the law of the Lord और भजन करता हमको ये बताता है कि परमेश्वर से जो भय करता है वो परमेश्वर वर्ड ऑफ गॉड और साधारण वचनों में वो परमेश्वर के वचन से प्यार करता है वर्ड डिलाइट मीन्स टू टेक ग्रेट प्लेजर इन प्रसन्न होने का जो अर्थ है उसमें

हर एक के जीवन में ऐसी बातें हैं जो हमको प्रसन्न करती हैं। सम पीपुल्स इन फूड कई लोग खाने में प्रसन्नता पाते हैं कई लोग अपने काम में यू डिलाईट योर सेल्फ मे बी इन योर हॉबी और कई लोग अपने जो आदतें हैं उनमें खुशी पाते हैं सो आई डोंट डिलइक यू मोर देन एनीथिंग एल्स टूडे और मैं नहीं जानता सबसे ज्यादा आपको क्या बात

अपने धन दौलत पे भी बहुत प्रसन्न होते हैं एंड मेनी पीपल डिलाइट देमसेल्व्स इन डूइंग एंड रॉन्ग डिजायर्स और कई लोग जो दुष्टता की आदतें हैं उसमें भी प्रसन्न होते हैं नाउ लिसन टू मी वेरी केयरफुल मुझे ध्यान पूर्वक सुनिए योर डिलाइट डिटरमिन्स योर डायरेक्शन आपका आनंद का क्षेत्र है भविष्य को निर्णय करेगा योर डिलाइट डिटरमिन्स योर डायरेक्शन आपका जो प्रसन्नता का जो मुख्य बात है आपकी दिशा का निर्णय करेगा सो वॉट इज इट दैट यू आर टेकिंग यू टू योर डेस्टिनी टूडे आप किस बात से प्रसन्न हो रहे हैं जो आपको आपकी दिशा या लक्ष्य के तरफ ले जा रहा है वट गेट्स यू एक्साइटेड वट वेक्स यू फ्रॉम योर स्लीप कौन सी ऐसी बात है जो आपको जिज्ञासा देती है उठाती है और आपको आगे बढ़ाती है इफ यू इफ यू वोकन अप

और भजन करता यहाँ उस विषय में बात करता है जिस जो बात हमें प्रसन्न करती है या आनंदित करती है और हमें अपने लक्ष्य की तरफ ले जाती है सो इफ डाउन टू राइट व्हाट विल बी थिंग्स और अगर मैं आपको बोलूं कि अपनी किताब में वो चीजें लिखें जिस जिन जिनके विषय में किसी को आपके ऊपर दबाव नहीं डालना पड़े वो कौन सी चीजें हैं इफ यू टेल मी दो मी समिंग वेरी क्रूशल

और मैं ये सोच रहा था कि एक आदमी व्यवस्था से कैसे प्यार कर सकता है रिम्बर डेविड इज टॉकिंग अबाउट द लॉ ऑफ मोसेस। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि दाऊद

समझ में नहीं आता सो अब तब मैं समझा कि परमेश्वर ने व्यवस्था लोगों के इसलिए नहीं दी कि उनको जंजीरों में जकड़े रहे बट द लो वॉज गिवन टू प्रोटेक्ट दम एंड टू द फ्रीडम दैट गॉड वॉन्टेड हैव

कि कितनी uh, कितनी गड़बड़ या कितना खतरनाक सड़कों पे चलाना होता है एंड सो द द लॉ ट्रैफिक रूल इज पुट देयर सो दैट वी आर सेफ ऑन द रोड और रोड सड़कों के नियम इसलिए लगाए गए हैं कि हम रोडों पे सड़कों पे सुरक्षित रहें एंड द लॉ ऑफ द लैंड आल्सो ऑल्सो टेल्सिंग अबाउट दैट कंट्री और जो देश के नियम है उस देश के विषय में हमें बताता है और उन के विषय में हमें बताता है जिन्होंने वो नियम बनाए उस देश के लिए ऑफ गॉड व्हिच गॉड और तब मैं समझा जो नियम परमेश्वर ने मूसा को दिए वाज फॉर पर्पस ऑफ रिवीलिंग गॉड टू पीपल वो इसलिए थे कि वो परमेश्वर को लोगों को दिखाए सो दे पीपुल है रेवलेशन ऑफ हु गॉड इज लोगों को यह प्रकाशित हो कि परमेश्वर कौन है एम Amen. The laws were given so that people understand what God delights in, what God likes, and what God doesn't like. और लोगों को नियम इसलिए दिए गए कि लोग समझ सकें कि परमेश्वर किन बातों से प्रेम करता है और किन बातों से घृणा करता है. So number one. So सबसे पहली बात. The law reveals the lawgiver. जो नियम है व्यवस्था जो है वो व्यवस्था देने वाले को दर्शाता है सो फॉर डेविड टू डाइट इन द लॉ द लॉर्ड इन व्यवस्था दी है उसमें वो प्रसन्न रहे वी ऑल्सो अंडरस्टैंड लॉ वॉज गिवन पर्सनली टू गॉड्स चोजन इजराइल और आप ये भी जानते हैं कि जो व्यवस्था दी गई So the law was given in the contest of a holy generation or a chosen people and a holy God. और जो व्यवस्था दी गई वो वो चुने हुए लोगों को दी गई इन आवर होम्स वी हैव सर्टन लॉज और हम अपने घरों में वे हमारे नियम होते हैं मेनी टाइम्स आवर चिल्ड्रन डोंट लाइक दीज लॉज अब कई बार हमारे बच्चे नियमों का नियमों को अच्छा नहीं लगता उन्हें बट एस पेरेंट्स वी पुट द लॉज इन आवर होम पर हम मां-बाप होने के नाते इन नियमों को घर में Because we care for our children. We don't go and put laws for the kids on the streets. Or we don't go and put laws on the kids in the neighbor's home. So the law of God was given by God to Moses, his children, his chosen people. It was a relational act of God. और जो व्यवस्था दी गई मूसा को परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए दी गई कि उनके साथ एक रिश्ता बनाए रखे सो द लॉ वॉज रेवोलेशन अबाउट गॉड और जो व्यवस्था थी वो परमेश्वर के बारे में प्रकाशित थी द लॉ इज ऑल्सो रिलेशनल बिटवीन गॉड एंड पीपल और जो व्यवस्था है वो परमेश्वर और लोगों के बीच में संबंध को दिखाती है एंड इट वॉज गिवन फॉर द दर्पज ऑफ प्रोटेक्टिंग द चिल्ड्रन ऑफ गॉड और वो तीसरी बात वो लोगों को दी गई कि लोगों को सुरक्षित रखे एंड सो आई केम अक्रॉस दिस स्टेटमेंट फ्रॉम मार्टिन लूद और मार्टिन लूथर के वाक्य को मैंने पढ़ा मार्टिन लूथर सेड ही कुड नॉट लिव इन पैराडाइज विदाउट वर्ड ऑफ गॉड और मार्टिन लूथर ने कहा वो स्वर्ग में परमेश्वर के वचन के बिना नहीं रह सकता बट ही कुड लिव वेल इनफ इन विद इट पर वो बहुत अच्छी तरह से नरक में परमेश्वर के वचन के साथ रह सकता है सो ई सेंग ही कुड नॉट लिव इन पैराडाइज विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड वो स्वर्ग में बिना परमेश्वर के वचन के साथ नहीं रह सकता बट ही कुड लिव वेल इनफ इन हैव विथ इट पर वो नरक में परमेश्वर के वचन के साथ कह सकता है सो द वर्ड ऑफ गॉड इज वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस टू नो गॉड एंड टू हैव रिलेशनशिप विद गॉड और परमेश्वर का वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम उससे परमेश्वर को जानें और परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाए रखें चार्ल्स पर्जन ए ग्रेट मैन ऑफ गॉड सेड लाइक दिस और चार्ल्स पर्जन ने यह बहुत महत्वपूर्ण बात कही मैन मस्ट हैव सम डिलाइट मनुष्य के अंदर एक प्रसन्नता होनी चाहिए एंड सुप्रीम प्लेजर इन हिज लाइफ और एक उत्तम किस्म का आनंद होना चाहिए हार्ट इज ने मेन टू बी अ वैक्यूम और उसका दिल उसका यह मतलब नहीं है कि वो खाली रहे If not filled with the best things, अगर वो अच्छी चीजों से ना भरा जाए, फिर नकारात्मक चीजों से भर जाएगी सो इन हर अ मैनस हार्ट मस्ट बी फिल्ड डिलाइट्स यू और चार्ल्स का कहना यह था कि मनुष्य का हृदय उन चीजों से भर जाना चाहिए जिससे उसको प्रसन्नता होती है वो 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 या या तो 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 चीजें हैं हैं हैं। जो जो अच्छी चीजों से भर जाएगा बुरी आज सुबह आपसे मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ आप किन बातों में आनंद लेते हैं वट गेट्स योर मोटर रनिंग एवरी डे आपको कौन सी बातें आगे बढ़ाती हैं हर सुबह व Gets you, uh, what makes you want to get out of the bed and go about doing the things that you want to do. और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको बिस्तर से बाहर धकेलती है और आपको जो करना है उसको करने में प्रभावित करती है you यू डे ड्रीम अबाउट आप किन बातों के बारे में सोचते हैं मे बी are बी about अबाउट you यू to डू when यू गेट होम

so you can think about someone who is dating someone or waiting to get married to how they are like so excited and i remember adibu when he was uh, proposed and ready to get married it was like suddenly adibu has changed and I know when you married or ya hote like adibu है व्यवहार बदल जाता है और मैं जानता हूं अब उनके पास सामूहिक चीजों के लिए कम समय है क्योंकि उनका उनका लक्ष्य है कि वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचे और अपने पत्नी के साथ समय बिताए सो यू कैन यू कैन इमेजिन योर ऑन फीलिंग्स ऑफ दोस हाउ इट वॉज और आप खुद अपने अपनी भावनाओं को

इस परमेश्वर के वचन या व्यवस्था पर है वी आर टू डिलाइट इन गॉड्स वर्ड एज अ लवर डिलाइट्स इन अ लेटर फ्रॉम हिज हमने परमेश्वर के व्यवस्था को इतना प्यार करना है उस प्रेमी के पत्र के तरह जो एक प्रेमी अपने प्रेमिका को लिखता है बिकॉज़ यू वांट टू नो योर गॉड क्योंकि आप परमेश्वर को जानना चाहते हैं यू वांट टू हैव अ डीपर अबाउट हिम आप उसको एक घनिष्ठता से जानना चाहते हैं यू वांट टू बी लव्ड बाय हिम आप उससे चाहते हैं कि वो आपसे प्यार यू वांट टू एक्सपीरियंस हिज प्रोटेक्ट आप उसके सुरक्षा का अनुभव करना चाहते हैं आप उसके को अनुभव करना चाहते हैं। हैं। जब मेरे बच्चे मेरा कहना मानते मैं उनके लिए बहुत कुछ करता हूँ बट I टाइम्स do आई और कई बार ऐसा भी होता है जब वो नियमों को तोड़ देते हैं तब मैं करता

अलग ही होता है नाउ द सेकेंड थिंग टॉक्स अबाउट दूसरी बात जो बा, जिसकी बात करता है वो जो प्रसन्नता है उस ध्यान पे केंद्रित है जिस बात पे हम ध्यान कर लो ऑफ द लॉर्ड एंड हुए नाइट वो व्यवस्था से प्रसन्न होता है और व्यवस्था पर ही रात दिन मनन करता है वॉट इज मेडिटेशन मीन्स ध्यान करना का अर्थ क्या है इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन के बारे में नहीं है इट इज अ ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन और ईस्टर्न मेडिटेशन इज वेर यू डिसएंगेज योर माइंड विद द विद द माइंड एंड यू डू हैव नो कंट्रोल ओवर वेर योर माइंड गोस और ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन या पश्चिमी मेडिटेशन वो है जब आप अपना दिमाग को बिल्कुल Uh, अलग कर देते हैं और उसके ऊपर आपका कोई भी uh, अधिकार नहीं होता इवन इन द मेडिटेशन ऑफ योगा दे टीचेज यू दैन यू प्रैक्टिस योगा यू आर एमटीन योर माइंड और योगा में भी जब आप ध्यान करते हैं तो उसमें ये सिखाते हैं कि आप अपने दिमाग को पूरा खाली कर देते हैं बट बिब्लिकल मेडिटेशन इज एग्जैक्टली ऑपोजिट पर जो uh, uh, जो बाइबल का ध्यान करना है वो बिल्कुल ही विपरीत है इट मीनस यू एंगेज कॉन्शियसली इन द वर्ड ऑफ गॉड एंड यू फिल योर माइंड यू एम्प्टी योर माइंड एंड फिल इट विद गॉड वर्ड जो बाइबल का ध्यान करना है उसका अर्थ यह है कि आप अपने दिमाग को खाली करें पर उसको परमेश्वर के वचन से भर दें सो हिब्रू वर्ड मेडिटेट इज द वर्ड हागा और यज्ञ विच मीन्स टू मथ टू मोन टू रीड इन रीड इन इन अंडर टोन और टू टॉक टू वन सेल्फ अबाउट इट और जो इब्रानी इब्री भाषा में जो इसका अर्थ है हागा या यज्ञ उसका अर्थ यह है कि हम 24 घंटे और परमेश्वर के वचन को बोलते रहे गुनगुनाते रहे या बड़बड़ाते रहे हाउ मेनी ऑफ यू सीन एनिमल्स दे ईट ऑल डे इवनिंग दे कम टू देयर शेल्टर एंड व्हाट डू दे 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 डू डू च्यू द कर्ड जस्ट रिजिटेटिंग एंड एंड मेक फनी साउंड दैट्स व्हाट और जानवरों को आप देखते हैं पूरे दिन भर वो खाते हैं और वापस जब शाम को आते हैं वो फिर से उस खाने को गलते हैं और उसको फिर खाते ही रहते हैं हाउ मेनी ऑफ यू व्हेन यू हैव एंजॉयड अ गुड फूड दैट यू आर ईटिंग एंड यू आर ईटिंग And then you are chewing, and at the same time, you're saying, mm, yum, yum, That's it. that tastes good, Yum, 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 like it.

Say it to yourself. You read it once, but those who delight in the law of the Lord, those who delight in the law of the Lord, who meditates on his law day and night, who meditates. So you almost like you are reading it, but you are reading it again. And you are reading it first, you read it, but the second time you are kind of reading it really for yourself. आप रहे हैं, उसको बोलते जा रहे हैं पहले आप पढ़ेंगे उसको जोर से फिर आप धीरे से उसको फिर पढ़ेंगे और सब so, आप वास्तविक रूप में उसको पढ़ रहे हैं और अपने अंदर उसको ले रहे हैं सो इट फ्री फॉर एनी जंग टू कम इन साइड आप उस ध्यान में मत जाइए जहां आप अपने दिमाग को पूरा खाली करते हैं और फिर नकारात्मक चीजें उस में नकारात्मक चीजों से वो भर जाएगी बिकॉज द डेविल इज लुकिंग फॉर प्लेस टू टेक अबाउट एंड ही इज लुकिंग फॉर एम्प्टी प्लेसेस क्योंकि शैतान खाली स्थानों को ढूंढ रहा है कि उसमें वो वास कर सके हाउ मेनी यू नो दैट आप जानते हैं इन चीजों को ही लाइक्स टू हैव ड्वेलिंग इन योर होम वो चाहता है शैतान चाहता है कि so करे। so करे, प्रार्थना करें और उसको बोलते रहें, याद करे लिसन टू मी वेरी केयरफुली मुझे ध्यान पूर्वक सुनने द माइंड इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जो हमारा दिमाग है वो सबसे पहला um, uh, केंद्र है जहां से हम अपना अपनी सुरक्षा कर सकते हैं वट एवर शेप्स योर थिंकिंग शेप्स योर लाइफ जो आपके सोच को ढालती है वो आपके जीवन को ढालेगी वी अल्टीमेटली बिकम व्हाट वी लव द मोस्ट हम वही बन जाते हैं जिस जिसको हम सबसे ज्यादा चाहते हैं सो द सामस्ट इवन स्पेसिफाइज दैट वी शुड मेडिटेट डे एंड नाइट और इसलिए भजन करता ये बहुत महत्वपूर्ण रीति से कहता है कि उस पर हम रात

समय नहीं है जब आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान करें एंड सो प्रैक्टिस मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड थ्रू आउट द डे इसलिए आप को ये कोशिश करें कि दिन भर आप परमेश्वर के वचन पर ध्यान रिमेम्बर कपल ऑफ वीक्स अगो आई शेयर्ड विद यू अबाउट प्रैक्टिसिंग गॉड कॉन्शियसनेस थोड़े हफ्ते पहले मैंने आपसे बात करी थी कि आप परमेश्वर के उपस्थिति के बारे में But you can develop a habit of beginning your day with the Word and ending your day with the Word of God. At least you are actually on the right track where you are in the morning, you have uh, looked at the Word of God, and that will remain in your mind, and you can keep meditating on that Word all throughout the day. And in the evening, close your day also with the Word. आप शुरुआत कर सकते हैं सुबह आप परमेश्वर के वचन पे ध्यान करें और दिन भर आप सोचते रहें और रात को फिर से आप ध्यान करें तो आप सही रास्ते पे हैं। डेविड कंसर्निंग द लॉ ऑफ गॉड ही इन साम 19 वर्स 10 और भजन करता भजन सहायता 19 में कहता है व्यवस्था के बारे में दसवें दस वचन में मोर टू बी डिजायर आर दे देन गोल्ड या देन मच फाइन गोल्ड स्वीटर ऑल्सो देन हनी इन द हनी घोम वे तो सोने से भी बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है वह मधु से भी टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। सो डेविड इज सेइंग द वर्ड ऑफ गॉड इज मच बेटर एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड और दाऊद कहता है कि परमेश्वर का वचन कोई भी चीज सब चीजों से बढ़कर है वेरी गॉड और ये एक बहुत ही uh, निर, निराशा की बात है कि हमारे इस, इस समय में बहुत ही कम ध्यान परमेश्वर के वचन पर है माई ग्रैंड पेरेंट्स देवर नॉट वेरी लिटरेट देवर नॉट वेरी हाईली एजुकेटेड मेरे दादा दादी लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे बट recite एबल टू chapters फ्रॉम मेमोरी chapters पर वो परमेश्वर के वचन को अध्याय पे अध्याय अपने जो याद किया हुआ था बोल सकते थे आई रिमेम्बर वेन माई ग्रैंड फादर वॉज वर्किंग इन द फील्ड विद द लेबर He can just recite Bible verses and preach to the to the farmers working with him. And he used to quote Bible verse word to word. People, father, him, 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 young people, I really want to encourage you to become passionate about loving this word. कि आप इस परमेश्वर के के वचन बारे में प्रोत्साहित कितने लोग ये बाइबल को अपने साथ हर जगह ले जाते हैं? आप अपने साथ स्कूल ले जाइए इन योर बैग आप अगर समय नहीं मिलता पढ़ने के लिए कोई बात नहीं पर आपने अपने बैग में जरूर ले जाइए बट यू मे फाइंड टू रीड इट

प्रसन्नता है वो बढ़ोतरी स्टेबिलिटी और भलाई इफ यू लुक एट द बाइबल वर्स देर आर सो मेनी विजुअल इमेजेस आर गिवन इन द बाइबल और अगर हम बाइबल में देखें तो बहुत सी विजुअल चीजें हमें दिखाई देती हैं। हियर डेविड इन वर्स सेज दैट द हैप्पी पर्सन इज लाइक अ ट्री प्लांटेड बाय द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर और यहाँ पे भजन करता तीसरे वचन में कहता है जो जो धन्य पुरुष है वो उस वृक्ष के समान है लीफ दस लीफ दस they do, जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं In, uh, uh, botany, uh,

पेड़ की परतों की जो स्टडी है उसके विषय में है सो हियर गॉड्स वर्ड इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी यहाँ परमेश्वर का वचन हमें डेंड्रोक्रोनोलॉजी के बारे में सिखा रहा है द पर्सन अ ट्री प्लांटेड बाय द ऑफ वाटर और वो जो परमेश्वर के वचन से प्यार करता है उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है remember this tree is planted it is not just growing wild anywhere so the tree that is planted obviously has an owner just and the tree that is planted is also cultivated and taken care by its owner और जिस पेड़ को वृक्ष को लगाया गया है उसका मालिक उसकी देखभाल करता है मेनी पीपल आर लाइक वाइल्ड ट्रीज और बहुत से लोग जो वाइल्ड पेड़ हैं जंगली पेड़ों के समान होते हैं दे आर नॉट प्लांटेड वो लगाए नहीं गए हैं यस दे आर ग्रोइंग ऑल्सो वो भी उग रहे हैं बट डिफरेंस बिटवीन अ चाइल्ड गॉड एंड और जो परमेश्वर के बच्चे हैं और जो परमेश्वर के बच्चे नहीं है जो, here, जो उसको नहीं जानते उनमें एक भिन्नता है हियर डेविड सेज द ट्री सिंबलाइजेस द लाइफ ऑफ ग्रोथ यहां पे जो पेड़ है एक बढ़ोतरी को दर्शाती है इन इजराइल देयर आर टू टाइप्स ऑफ इनलैंड वाटर दैट यू विल सी इन इजराइल और इजराइल में दो प्रकार के पानी को आप देखेंगे जहां जहां पानी अंदर आता है देयर इज द हिस्टोरिक सी ऑफ गैलीली जो uh, ग़लील ग़लील की झील है एंड ऑफ गैलीली एंड ग्रीन ट्रीज एंड इट इज फर्टाइल और जो गलील की झील है उसके उसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर पेड़ और हरे भरे पेड़ हैं एंड सो इन नॉर्थ ऑफ गैलीली और उत्तर की दिशा में इसराइल में गलील की झील बट एस यू ट्रावल डाउन साउथ यू कम टू अनदर इनलैंड वाटर बॉडी कॉल्ड द डेड सी और अब जब दक्षिण की तरफ आते हैं तो वहां पे मृतक सागर है यू विल फाइंड दैट द डेड सी इज सो डेड इट हैज नो लाइफ और आप पाएंगे कि कि मृतक सागर इतना मरा हुआ है है। पे कोई भी जीव, चीज भी जीवित चीज़ नहीं नहीं आसपास कुछ डिफरेंस दैट डेविड इज टॉकिंग अबाउट यही भिन्नता या विपरीतता द डेड सी और सी ऑफ गालेली और वो जीवन जो गलील की झील के किनारे है या जो जो जीवन है ही नहीं मृतक सागर के इफ यू आर अ ट्री इज प्लांटेड बाय द रिवर्स ऑफ द स्ट्रीम्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड इज ग्रोथ हैपनिंग इन योर लाइफ अगर आप वो वृक्ष है जो परमेश्वर की नालियों के किनारे लगाया गया है आपके जीवन में बढ़ोतरी होगी ट्री इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट स्टेबिलिटी इन लाइफ आपके और जो वृक्ष है A tree that is planted, obviously, is planted in such a way that their roots are going so deep when storms and wind comes, they stand firm where they are planted. और जो पेड़ लगाया गया है उसकी जो जड़ें हैं इतनी नीचे चले जाती हैं चाहे जब तूफान आए आंधी आए वो हिलेगा नहीं डगमगाएगा नहीं अ ट्री दैट इज प्लांटेड आल्सो हैज द क्वालिटी ऑफ फ्रूटफुलनेस एंड प्रोडक्टिविटी और जो पेड़ लगाया गया है वो फल भी देता है फलदार होता है इस हियर डेविड सेज It, which eats its fruit in season. और दाऊद कहता है इसलिए जो वो अपना So, God has a season and a time in our lives when we are to bear fruits. There will, be, there will be off seasons in our lives, but that off seasons are part of the season of productivity because this is the off season that prepares you for the season that's coming. और कई बार हमारे जीवन में वो ना फल लाने वाला समय भी हो पर वो ना फल लाने वाला समय वो तैयारी है जब हमारा जीवन फलदायक फिर से हो सके फाइनली और जब मैं इस इसका समाप्ति करता हूँ अपने उपदेश और आखिरी हिस्सा जो तीसरा वचन कहता है that this tree's leaf does not wither.

स्वास्थ्य को और जीवन को दर्शाती है फॉर अ ट्री अ लीफ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट इज द नोस्ट्रल्स और द लीफ इज द नोस्ट्रल्स दैट गिव्स ब्रेथ और एयर टू द ट्री और अगर अगर आप पत्तों को देखें वो वृक्ष के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वो उसको जीवित रखती है या उसकी जो श्वास की कड़िया कर, है वह है सो so दो जो लोग परमेश्वर के वचन से अपने आप को परिपूर्ण करते हैं उनके अंदर जीवन है और जीवन है तो वो मुरझाते नहीं यू नॉट गो लाइक दिस अपन आप ऊपर नीचे नहीं होंगे अच्छा दूसरे दिन दुख कंसिस्टेंसी इज वट गॉड वॉन्ट्स इन योर लाइफ एक एक तत्परता परमेश्वर चाहता है एंड फाइनली अंत में व्हाट एवर दे डू प्रॉस्पर्स जो कुछ भी वो करते हैं दे एवर प्रॉस्पर्स जो कुछ वो पुरुष करता है वो सफल होता है नाउ डोंट जंप इन टू कंक्लूशन अबाउट दिस बींग ए प्रॉस्पेरिटी थियोलॉजी प्रीचिंग और ये मत सोचिए कि ये संदेश सफलता का संदेश है नाउ ऑफकोर्स गॉड वॉन्ट्स यू टू बी फाइनेंशियली वेल्थी परमेश्वर चाहता है कि आप आर्थिक रूप से सफल हों। बट दिस इज मोर देन दैट ये उससे भी अधिक है चाहे कुछ कुछ भी उनके जीवन में क्यों ना हो रहा हो वो सफल होते हैं दैट will इवन दो डिफिकल्टी विल कम and स्टैंड will एंड दे fruit इन due सीजन चाहे परेशानियां आए मुसीबतें आए उनके जीवन में वो खड़े रहेंगे स्थिर रहेंगे और उनका जीवन फल लाएगा अमेन मोर देन इन क्राइस्ट जीसस हम जैवन से भी बढ़कर मसीह में हैं। यस प्रॉब्लम्स विल कम जरूर पर परेशानियां आएंगी सिकनेस विल कम बीमारियां आएंगी प्रोसिक्यूशन विल कम सताव आएगा बट नथिंग विल कॉस्ट लूज देयर प्रोस्पेरिटी पर कोई कुछ भी उनकी सफलता को उनसे छीन नहीं सकता समटाइम्स

क्योंकि जीवन हमारे जीने के लिए बिकॉज इट इज थ्रू मोमेंट्स ऑफ सर्वाइवल यू कम टू द साइड वर यू ब्रिंग फॉर द फ्रूट क्योंकि जीने के दूसरे पार वो हम वहां पहुंचते हैं जहां पे फल आता है सो टू मी दिस वर्स थ्री रियली अपील्स टू मी नाउ आई एम गेटिंग ओल्डर और ये तीसरा वचन जैसे मैं उम्र में बढ़ रहा हूँ मुझे बहुत पसंद आता है। When I was younger, I did not pay much attention to it। जब मैं थोड़ा जवान था ज़्यादा इस पे ध्यान नहीं देता था। It's appealing to me। ये मुझे अच्छा लगता है। Because this word says even though you get old, चाहे बुजुर्ग भी हो जाऊं even though your skin is wrinkling, चाहे मेरा मास चाहे पड़ रही हूं इवन दो योर हेयर इज बिकमिंग वाइट चाहे बाल हमारे सफेद हो रहे हो देयर इज अ रेडियंस ऑफ गॉड्स ग्लो दैट विल शाइन थ्रू यू परमेश्वर की परमेश्वर की चमक आपके अंदर से दिखाई देगी एम Amen. And there will be the glory of God that will be visible for people, doesn't matter how old or how young you are. So, the life of the righteous, the life of the blessed man. तो जो धार्मिक जन का जीवन है जो धार्मिक जन का या धन्य मनुष्य का जीवन है, जो खुश आदमी का जो जीवन है ब्रिंग्स फॉर समथिंग गुड एंड वंडरफुल आउट ऑफ एवरीथिंग वो एक अच्छी चीज और बेहतरीन चीज उसके जीवन से लाता है व्हेन यू लुक एट सी ऑफ गैलीली जब आप गलील की झील को देखते हैं इट हैज वाटर बॉडीज कमिंग इनसाइड वो भिन्न भिन्न पानी के स्रोत वहां आते हैं और पानी के स्रोत वहाँ से निकलते भी हैं एंड एवरीथिंग अराउंड द सी ऑफ़ गैलिली इज प्रोस्परस और गलील के झील के चारों तरफ हर एक चीज सफल है बट वेन यू लुक एट सी और जब आप मृतक सागर को देखते हैं इट के वाटर अंदर आ रहे हैं बट इटे कोई भी स्रोत या पानी का कोई भी क्षेत्र उससे बाहर नहीं आ रहा है इट इज लाइफलेस वो मृतक है सी एस लुइस सेड लाइक दिस सी एस लुइस ने ये कहा यू गिवन अवे आप कोई भी चीज अपने जीवन में हासिल नहीं कर सकते जो आपने दी नहीं हो लाइफ ऑफ ए ब्लसड मैन जो एक धन्य पुरुष का जीवन है इज अ मैन हु बेयर्स फ्रूट्स एंड गिव्स इट अवे जो आदमी फल लाता है और उसे दे देता है बांट देता है अ हैप्पी मैन वो धन्य पुरुष है दैट कम्स फ्रॉम डिलायरिंग इन द वर्ड ऑफ गॉड जो परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न होता है मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड ऑफ गॉड वो परमेश्वर के वचन पे ध्यान करता है बिकमिंग फ्लरिशिंग स्टेबल ग्रोइंग प्रोडक्टिव बेयरिंग मच फ्रूट बहुत आयत से फलता है फल लाता है स्थिर रहता है और बढ़ता ही चला जाता है इन दिस वर्ल्ड इस संसार में सारी गड़बड़ जो आज हो रही है, आप वो वृक्ष हो सकते हैं जो बेहती नालियों के किनारे लगी यू कैन बी प्रोडक्टिव आप फलदायक हो सकते यू कैन बी फ्रूटफुल आप फलदायक हो सकते हैं यू कैन बी स्टेबल आप स्थिर रह सकते And हैं नथिंग विल शेक यू और कुछ भी चीज आपको हिला नहीं